हेलो गुंजन मैम, नमस्ते. मैम, आपसे ये टेक मैंने लिए थे. टैरोट कार्ड जो खुद आप ही ने डिज़ाइन किए हैं, तो मुझे इतने अच्छे लगे मैम, इतने अच्छे लगे मैं क्या बोलूँ. अब जो लोग टैरोट कार्ड रीडर हैं तो वो तो वैसे फ्लैट होने ही वाले हैं इस डेक के ऊपर. पता है मार्केट में काफ़ी सारे डेक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट यहाँ की बात मुझे क्या अलग लगती है पता है. बिल्कुल परफेक्ट, सटीक आपने कौन सा डिवाइन एनर्जी किस कार्ड में छिपी है एग्जैक्टली आपने पिक आउट किया है. कोई इंटिटिव ज़्यादा हो भी ना ना, तो बस जिसको सब मैथोलॉजी पता है यूज़ कर लेगा ये सारी चीज़ें. यहाँ पे ऑलरेडी आपने कीवर्ड्स दिए हैं, यूनिवर्स का क्या रियल मीनिंग है. हम जो हमारा सिंपल देख लेते हैं तो जिसमें यूनिवर्स की एक अलग एनर्जी है, 21 नंबर्स की अलग एनर्जी है. यहाँ पे यूनिवर्स का क्या मतलब है, कम्प्लीशन, अकम्प्लिश, रिवार्ड, तो ये सारे एक्स्ट्रा कीवर्ड्स जो कंप्लीट कर देता है हर कार्ड के मीनिंग को. और अगर किसी का नहीं चलता इतना इंट्यूशन, बिल्कुल नया है कोई यहाँ पे भी, यहाँ पे आपने बिल्कुल सिंपल वर्ड में इसके लिए अपराइट मीनिंग भी दिया है. अगर रिवर्स आता है तो रिवर्स मीनिंग भी दिया है. 78 कार्ड से अगर किसी को हर कार्ड का मतलब, हर कार्ड का कीवर्ड नहीं समझ में आता है, ध्यान नहीं रहता है उतना, कोई बिगनर है तो बिगनर से लेकर एक्सपर्टिस तक सबके लिए डे, मुझे तो सबसे बहुत अच्छा लगा है भाई, तो इसलिए मैंने परचेज भी किया है. और दूसरा आपका जो डेक है ना, ये वाला, इसने भी मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर दिया. जब मैंने आपका वीडियो सुना था तो आपने बोला था कि आकाशिक रिकॉर्ड की क्लेरिफिकेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हर कार्ड का आपने बिल्कुल डिटेल मतलब दिया है, क्या एनर्जी है, इशू क्या है, हेल्थ इशू क्या है, फैमिली इशू क्या है, इतना परफेक्ट दिया है आपने. लवर का देखकर हम लोग क्या बोलते हैं कि लव एनर्जी है, सो कनेक्शन हम लोग बोलते हैं, पैशनेट फीलिंग बोलते हैं, इसका क्या रिश्ता, ये इतना बोलते हैं. इसके आगे का क्या है, इसका आगे का स्टोरी इधर है. इसका आगे का स्टोरी ये है कि भाई कौन सा प्लैनेट है, कौन सा चक्र है, जोड़ा एक साइन से लेकर आप इसका यस और नो, पर्सनैलिटी क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, करियर क्या है. वैसे ये तो सारे रीडर को पता होता है कि इसके क्वालिटीज़, करियर, ये सब कुछ पता होता है. एक्स्ट्रा क्या आता है ना मैम, यहाँ पे पास्ट कर्म आता है कि कौन सा पास्ट कर्म था, रिलीज क्या करना चाहिए, कौन सी हीलिंग थेरेपी आपको यूज़ करनी चाहिए, क्या ब्लॉकेजेस है. दिस मेक्स दिस कार्ड्स वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल. और यस, आकाशिक रिकॉर्ड जिसको करने हैं, क्लेरिफाई जिसको करना है, तो ये तो कार्ड है ना, तो ये पूरा आपको उस रीडिंग को बिल्कुल परफेक्ट बना देगा. मैं तो ऐसे भी यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया है. यहाँ पे मैं तो सभी लोगों को बोलूँगी कि आप मैम्स के कार्ड्स प्रेफर करें, क्योंकि जो भी रीडर है उनके लिए सबसे बहुत बेनिफिशियल ये कार्ड्स है, तो आप ले. और इसके अलावा भी कोई कार्ड मैम क्या है, मैं खुद भी लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था वैसा बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है. मैं तो लेने वाली हूँ. आप लोगों के लिए भी बोलूँगी कि भाई आप लो. आप अपने लिए भी टैरट का रीडिंग करना चाहते हैं ना भाई, क्यों बाहर जाना, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है. और टैरट कार्ड रीडर्स के लिए भी तो बोलूँगी कि भाई आपको इसको लेना है. जो इंडियन है, मैथोलॉजी से कनेक्टेड है, मैथोलॉजी एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने रीडिंग में, तो आप इस कार्ड के साथ जाते हैं. विजडम टैरट कार्ड से आप जा सकते हैं. मैथोलॉजी कंसेप्ट हमेशा यूज़ करनी ही चाहिए क्योंकि मैथोलॉजी से हमारा जो इंडियन कल्चर है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो लोगों तक बात बड़ी आसानी से जाती है. और यहाँ पे तो क्या है बोलूँगी मैं, टैरोट कार्ड फॉर और एक्यूरेट रीडिंग, सच में एक्यूरेट रीडिंग है. तो मैं आप सभी लोगों से बोलूँगी कि आप मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा गया है, आप लोगों के लिए बोलूँगी कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा. मैम का इतने सालों का जो विजडम है, मैम ने पूरा घोट घोट के पूरे कार्ड में निकाल दिया है ऐसा मुझे लगता है. तो मैं प्रेफर करूँगी, मैं तो खुद जा रही हूँ, आप लोगों को बोलूँगी. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच.